और शिक्षकों को अपने घर में रखा। ये दलानों से निकलने वाली शिक्षा है, और फिर बाद में जब उसका टेस्ट अभिभावकों को गांव में मिला तो जगह जगह पर विद्यालय खोलना शुरू किए, महाविद्यालय खोलना शुरू किए। आज जो हमारे यहाँ राजकीयकृत विद्यालय है 43-44 सौ, या जो प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय है, वह तमाम गांव के लोगों ने गवर्निंग बॉडी बना के वापस में कॉपरेशन करके बनाया है, जिससे हमारी शिक्षा चल रही है। जो हमारे महाविद्यालय हैं, आप जहां तक इस पर विचार करेंगे, क्योंकि राज्य में होता रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई नई बात हम कह रहे हैं जिसमें पहाड़ खिसक जाना है। वही विद्यालय, उसी महाविद्यालय से आप भी पढ़ के आए हैं, उसी महाविद्यालय में भी आप भी पढ़ाते हैं, उसी महाविद्यालय से हम भी पढ़ के आए हैं, उसी महाविद्यालय में हम भी पढ़ाते हैं, थोड़ा सा तो इसका ख्याल रखिए। महोदय, स्पष्ट है अभी जब सरकार के सामने कोई भी प्रस्ताव इस तरह का विचाराधीन नहीं है, तो माननीय सदस्य अनुरोध है कि संकल्प वापस लें और आगे सरकार इस पर विचार करेगी। हो गया माननीय महोदय, विचार वाला बात बहुत धीरे से बोले हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप आज अधिग्रहण करके नोटिफिकेशन कर दीजिए, मैं तो यह कह रहा हूं कि आप इस पर विचार करें। आप सोशल जस्टिस के, सामाजिक न्याय के नेता हैं, आपकी पार्टी उसकी धारा पर आती, आखिर गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा में क्या है आपके पास? यही जो गांव के लोगों ने स्कूल कॉलेज खोला है, इसलिए आप पुनः विचार करें। यह सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि इन पुरानी परंपराओं को, जो इस राज्य में जिसके माध्यम से शिक्षा चला है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप आश्वस्त करें। महोदय, कल वापस ले, बाद में बात करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, तब मैं संकल्प वापस नहीं लूंगा। मैं जानता हूं मैं कहां खड़ा हूं, तब आप वोट करा के गिरा दीजिए। मैं तो यह कह रहा हूं कि आप, नई कोई बात नहीं है, यह पुरानी बात है। राज्य में कॉलेज और स्कूल